हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशा किचन कॉर्नर। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो एक गुजराती रेसिपी है जिसका नाम है गुजराती गोटा। तो ये रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, लाइक करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो होने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक फूड टिप भी ऐड किया हुआ है, जिसे आप इसको ज़रूर देखिएगा। आई थिंक ये टिप आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए मेरे चैनल को। और चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। गुजराती गोटे बनाने के लिए चना दाल 200 ग्राम और 2 कप, मूंग दाल आधा कप, उड़द दाल 1/4 कप, वाइट तिल सीड 1/3 कप, जिंजर 2 इंच, ग्रीन चिली 3, कसूरी मेथी 3 टीस्पून, शुगर 3 टीस्पून और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये मैंने तीनों दालों को मिक्स करके धो के ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। मिनिमम 6 घंटे तो आपको रखना ही है, अगर ओवरनाइट रख सकते हैं तो बढ़िया है। फिर ग्राइंडर में, मिक्सर जार में ये दालों को लेके अच्छे से आपको ग्राइंड करना है। इसमें जिंजर और ग्रीन चिली को भी कट करके साथ में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। अब इस पेस्ट में कसूरी मेथी, शुगर और सॉल्ट आपके स्वाद के अनुसार ऐड करिए, और साथ में वाइट तिल सीड, इन सबको अच्छे से मिलाइए। ये देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से आराम से मिक्स करिए। कढ़ाई में तेल गरम करके इसको जैसे पकोड़े डालते हैं उसी हिसाब से इसको डाल के फ्राई करना है। और इसको स्पून से ही डालना है, आपको हाथ से नहीं डालना है। और स्पून से भी आपको इसको, देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ ना, साइड से डालिए, तो इससे ये ओवल शेप में आ जाएंगे आपके। तो इसको साइड से डालेंगे तो ये ओवल शेप बनेगा इसका। तो इससे ऐसे आप डालिए और बढ़िया इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। इसमें कसूरी मेथी डली है तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसको पलट के अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए, मीडियम फ्लेम पे रखिए और इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। लीजिए, हमारे गुजराती गोटे बनकर तैयार हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे और आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। धनिया पत्ती को अगर फाइनली चॉप करना हो तो आप नाइफ की जगह कैंची का इस्तेमाल करें। कैंची से धनिया पत्ती बहुत ही आसानी से और बहुत ही फाइन तरीके से चॉप्ड हो जाती है। ये देखिए, देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से धनिया पत्ती बहुत ही बारीक चॉप्ड हो गई।